sensitivity reaction is can involve recording in progress drug induced also drug induced can the type 1 hypersensitivity reaction होगा mainly आपने ये देखना होता है तो ये बच्चों आपके hypersensitivity reaction है जिसमें से अक्सर questions आ जाते हैं इससे आगे चलें और आगे पूछें कि क्या discuss करना है शाबाश हाँ जी कंप्लीमेंट सिस्टम देखो यार कंप्लीमेंट सिस्टम के अंदर आप लोगों को दो से तीन चीजों का पता है भाई ये जो बी एंड टी सेल ओके ओके एक्टिवेशन कंप्लीमेंट एक्टिवेशन वाला पहले बताया हुआ जब मैं एक्टिवेशन वाला बता देता हूँ ठीक हो गया सारा बता कॉमन वेरिएबल भी बता देता हूँ थोड़ा सबर एक बनता हूँ इतने सवाल है तो उसको कवर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है ठीक है और मैंने बोलना भी इधर से है सीधा ये भी नहीं है कि इधर उधर से उठा उठो के अच्छा यार सबसे पहले हम बी और टी सेल की एक्टिवेशन देखते हैं बच्चों सबसे पहले आपको बता होना चाहिए कि जो टी सेल होता है उसकी एक्टिवेशन इस तरह होती है आपके एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है आपका एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पैथोजन को पकड़ता है जैसे ही एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पैथोजन को पकड़ता है तो उसकी सरफेस के ऊपर आपका मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स एमएचसी होता है और आपने ये कहना है कि ये आपका टी सेल के पास आता है क्या मैंने कहा कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पैथोजन को पकड़कर आपके टी सेल के पास आता है जैसे ही टी सेल के पास आएगा तो आपने ये देखना है कि कौन सा मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स आपके टी सेल के पास आया है अगर तो मेजर हिस्टोकंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स 1 आता है तो आपने कहना है कि जो टी सेल होंगे उसकी सरफेस के ऊपर CD8 होते हैं कौन से होते हैं आपके एक तरह के CD8 होते हैं अब देखें एक तरफ से टी सेल की सरफेस के ऊपर क्या है CD8 है दूसरी तरफ से ऊपर क्या है MHC1 है उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब जो B7 होता है दूसरी तरफ से वो आता है और दूसरी तरफ से क्या होता है CD28 आता है क्या आता है एक तरह का B7 और CD28 अब देखो बच्चों B7 और CD28 ये आपने याद करना है और आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब इस तरह आपका एक तरह का दोनों जो सेल्स होते हैं वो मुकम्मल तौर पर को स्टिमुलेशन मिल जाती है अब फॉर एग्जाम्पल आप ये समझो कि ये एक बाजू है इस बाजू के ऊपर MHC1 है ठीक है ये बाजू MHC1 है और दूसरी तरफ से क्या है CD8 है और ये जो बाजू है इससे ऊपर क्या एक तरह का आपने कहना है कि MHC1 यहाँ था तो यहाँ पे क्या B7 है और आगे वाली तरफ से क्या आ रहा है CD28 आ रहा है ये दोनों अब आपस में मिल गए हैं जब ये दोनों मुकम्मल तौर पर आपस में मिल गए हैं तो इसके नतीजे में क्या होगा आपने कहना है कि आपके टी सेल की एक्टिवेशन होने लग जाएगी जब आपके टी सेल की एक्टिवेशन होती है तो सबसे पहले जो मैसेज आता है वो किसको जाता है CD3 को तो आपने कहना है कि सबसे पहला जो मैसेज आएगा वो किसको जाएगा आपका CD3 को जाएगा CD3 जो होता है वो न्यूक्लियस को जाके मैसेज देता होता है जिसको हम कहते हैं NFK-beta जीन अब NFK-beta जीन जो होता है वो न्यूक्लियस को बताता है इसके अंदर आपका टी सेल की एक्टिवेशन मुकम्मल तौर पर हो जाती है ये था आपका टी सेल की एक्टिवेशन होना ठीक हो गया अब देखें जैसे मुकम्मल तौर पर आपका टी सेल की एक्टिवेशन होती है तो टी सेल जो है अब ये दो तरह की चीजें बनती हैं अगर तो साइटोटॉक्सिक टी सेल हैं तो ये क्या काम करती हैं ये आपके वायरस और उसके बाद आपके ट्यूमर इनको जनाब आपका किल करती हैं कभी भी एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि टी सेल इज अ साइटोटॉक्सिक टी सेल इज अ CD8 एंड किल द वायरस एंड द उसके बाद आपने कहना होता है साइटोटॉक्सिक टी सेल जो होते हैं वायरस और उसके बाद आपने ये कहना होता है कि हाँ जी जनाब ट्यूमर को किल करते हैं अब देखें बच्चों ट्यूमर हो गया कैंसर हो गया या फिर वायरस को इसने किल किया दूसरा जो इसका काम होता है वो क्या होता है आपने ये कहना है कि इसका जो किल करने का मैकेनिज्म होता है वो ये होता है कि परफोरिन और ग्रेनजाइम्स होते हैं परफोरिन्स क्या काम करते हैं परफोरिन का ये काम होता है कि वो बच्चों आपने ये कहना होता है कि आपकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पोर्स बनाते हैं ग्रेनजाइम जो होते हैं वो सेल के अंदर जाते हैं जिसके नतीजे में वो किल करके बाहर निकाल देते होते हैं ग्रेनजाइम का ये होता है उसके बाद बच्चों आपने ये कहना होता है कि टी सेल का आगे टी हेल्पर सेल बनते हैं T-helper 1 और T-helper 2 T-helper 1 जो होता है वो आपने ये याद रखना है कि हाँ जी जनाब इसका जो मेन काम होता है वो आपका टी हेल्पर वन को जो स्टिमुलेट करता है वो इंटरल्यूकिन 12 करता है बिल्कुल शाबाश इंटरल्यूकिन 12 करता है ये आपने कहना होता है और इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 जो होता है वो एज अ इनहिबिट कर रहा होता है टी हेल्पर वन को और जो टी हेल्पर 2-1 होता है वो क्या काम करता होता है ये जनाब आपने ये कहना होता है कि ये भी साइटोटॉक्सिक टी सेल को स्टिमुलेट करने के अंदर हेल्प करता है ठीक है और उसके बाद हम ये कहते हैं कि टी हेल्पर 2 जो होता है वो कैसे काम करता है टी हेल्पर 2 को जो स्टिमुलेट करता है वो
इंटरल्यूकिन 4 होता है, और आपने ये कहना है कि इंटरल्यूकिन 4 और इंटरल्यूकिन 5 जो होते हैं ये पैदा होते हैं, जब ये पैदा होते हैं तो इसके नतीजे में आपने कहना है कि IgE और IgA एंटीबॉडी पैदा होती है। ठीक हो गया, ये IgE और IgG एंटीबॉडी और साथ इसके IgG एंटीबॉडी भी किसी किसी बुक में लिखा है कि ये भी पैदा होती है, सारी की तीनों एंटीबॉडी पैदा होती हैं और ये जनाब आपकी बॉडी के ऊपर क्या करेंगे, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म के तौर पर काम करती होती हैं। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब, एक तरह का आपका एक तरह का टी रेगुलेटरी होता है, टी रेगुलेटरी क्या काम करता है कि वो जनाब साइटोटॉक्सिक टी सेल को भी सप्रेस करता है, वो टी हेल्पर को भी सप्रेस करता है, वो सारे के सारे सेल्स को एक तरह का सप्रेस करके आपके इम्यून सिस्टम को क्या करता है, रेगुलेट करता है, और आपकी बॉडी के ऊपर किल एक तरह का ना हो, आपकी बॉडी के ऊपर एक तरह का ना अटैक ना करे, उसको हम कहते होते हैं कि हाँ जी जनाब FOXP3, उसके अंदर होता है एक जीन जो कि हेल्प करता होता है। उसके बाद आपने कहना है CD25 होता है, ये आपका हेल्प करता है, CD3 CD4 होता है जो कि हेल्प करता होता है, मतलब कि एक तरह का रेगुलेटरी टी सेल्स को, अगर फॉर एग्जाम्पल रेगुलेटरी टी सेल्स के अंदर मसला बन जाए तो क्या होता है, तो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब उसकी वजह से आपने ये कहना है कि एक तरह का इम्यून सिस्टम के डिसऑर्डर्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसके अंदर पोली एंडोक्राइनोपैथी हो जाती है, GIT के डिसऑर्डर्स होते हैं, डायबिटीज मलाइटस होता है, जी शाबाश वेरी गुड जंजबीला आईपैक्स होता है जिसको हम कहते हैं, ठीक है, यानी कि इम्यून डिसरेगुलेशन, पोली एंडोक्राइनोपैथी, एक्स लिंक्ड सिंड्रोम जिसको हम कहते होते हैं, ये जनाब आपका एक तरह का हम सारे का सारा देखते होते हैं। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए कि हाँ जी जनाब ये सारी की सारी चीजें आप एक तरह की देखते हो, आईपैक्स जिसको हम कहते होते हैं। तो ये हम लोग का पूरा आपका जितनी हमने इम्यूनो सारी पढ़ी है वो तेज है, इस वजह से मैं जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों को ये चीजें जो है वो इतना की कवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपने कहना होता है कि आपका एक टी हेल्पर 17 होता है, वो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं उनकी जनाब एक तरह की डिफरेंशिएशन करवाने के अंदर हेल्प करता होता है। फिर बी सेल की एक्टिवेशन की तरफ आते हैं यार, बी सेल की एक्टिवेशन आप लोगों को पता होना चाहिए बच्चों के, एक तरह का बी सेल खुद भी एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल के तौर पर काम करते हैं। जस्ट इमेजिन करो कि बी सेल ने गया, उसने पैथोजन को पकड़ा, टी सेल के पास आया, बी सेल एज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है तो उसकी सरफस के ऊपर क्या होगा, MHC होगा, दूसरी तरफ टी सेल है, टी सेल की सरफस के ऊपर क्या होगा, CD होगा, यानी कि CD4 CD8 होगा, और इधर से क्या होगा, बी बी सेल की सरफस के ऊपर MHC होगा। दूसरी तरफ से आपने कहना है कि जो टी सेल होता है उसकी सरफस के ऊपर CD40 लाइगंड होता है, क्या होता है, CD40 लाइगंड होता है, लेकिन बी सेल की सरफस के ऊपर CD40 होता है, ये दोनों आपस में मिलते हैं जिसकी वजह से जना बी सेल एक्टिव होता है। बी सेल जो होता है वो क्लास स्विचिंग करवाता है, सोमैटिक हाइपर म्यूटेशन करवाता है, जिसकी वजह से आपकी एंटीबॉडीज बनती है, आपकी IgM IgG और उसके बाद ये सारी की सारी एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाती है, ये आपने बताना होता है। उसके बाद आपने कहना कि नेचुरल किलर सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, नेचुरल किलर सेल्स के बारे में आपने कहना कि नेचुरल के अंदर मेनली ये आपके उन सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं, अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किलर सेल्स की तरफ जाना है, और अगर पूछा था कि नेचुरल करते हैं, आप ये कह सकते हो कि हाँ जी जनाब ये जो सेल्स होते हैं वो जनाब आपका एक तरह का एंटीवायरस के, आपकी बॉडी वायरस इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं उनके ऊपर ये अटैक करते होते हैं, ठीक है, और वो सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं जिनके ऊपर MRC1 एबसेंट हो, या MRC क्लास स्विचिंग ना हो, MRC एबसेंट हो। किल करने का मैकेनिज्म बच्चों सेम टू सेम है, परफोरिन और ग्रैनजाइम के जरिए, परफोरिन के जरिए ये पोर्स करते हैं, ग्रैनजाइम के जरिए क्या करते होते हैं, एक तरह का सेल के अंदर जाते हैं और किल सारे का सारा कर देते होते हैं। तो ये सारा आपको पता होना चाहिए, क्लियर है, पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन का बच्चे ये होता है, अगर कभी भी पूछा जाए कि पॉजिटिव सिलेक्शन कहाँ होती है, तो आपने कहना होता है कि हाँ जी जनाब कि एक तरह का आपकी पॉजिटिव सिलेक्शन होती है कॉर्टेक्स के अंदर, टी सेल्स के अंदर, ठीक है, इसके अंदर ये होता है कि आपके टी सेल की सरफेस के ऊपर आते हैं, अगर तो फॉर एग्जाम्पल आप ये देखते हो कि का कोई भी ऐसा पैथोजन है वो जनाब आप मतलब कि CD4 है, टी सेल आपको कहना होता है कि हाँ जी जनाब क्या होती है, सबसे पहले क्या होता है आपका कॉर्टेक्स के अंदर आता है, कॉर्टेक्स के अंदर आपकी पॉजिटिव सिलेक्शन होती है, पॉजिटिव सिलेक्शन इस सेंस में होती है कि हाँ जी जनाब अगर आपने ये देखा, मेरी बात को थोड़ा सा गौर कीजिएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल वो सेल आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करें, सेल्फ एंटीजन अटैक हो, शाबाश, अगर सेल्फ एंटीजन अटैक होगा तो उनको क्या कहा जाता है कि उनको एक तरह का आपने कहना पॉजिटिव सिलेक्शन के जरिए आप आगे जाने देते हो, लेकिन अगर मेडुला के अंदर यही सेल, अगर मेडुला के अंदर यही सेल आपके सेल्फ एंटीजन के ऊपर अटैक करेंगे तो इन सेल्स को खत्म कर दिया जाता है, जब इन सेल्स को खत्म किया जाता है तो इसको हम कहते हैं ये नेगेटिव सिलेक्शन, और अगर हम इसको नेगेटिव सिलेक्शन के जरिए
भी अगर इनको हम खत्म ना करें तो क्या हो सकता है, आपने कहना है कि ऑटोइम्यून डिजीज हो सकती है, इसकी वजह से आपको ऑटोइम्यून डिजीज होगी, ठीक हो गया, इसकी वजह से जो पेशेंट होता है, बच्चा होता है, उसके अंदर डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है, ये भी आप कह सकते हो, जो बच्चा होता है उसके अंदर जनाब आपकी एक तरह की मल्टीपल जो है ऑटोइम्यून की जो डिजीज हम ये देखते हैं। जी बिल्कुल, आपने कहना आयर के नाम से एक डिजीज होती है, वो आपने कहना है कि हाँ जी जनाब ये हम सारे का सारा देखते होते हैं, ठीक हो गया। ये था बी और टी सेल की एक्टिवेशन। नेक्स्ट, हाँ जी आगे, कॉम्प्लीमेंट रिस्पिरेटरी बर्स्ट, इंटरलिंगन, इंटरलिंगन रट्टा है यार वो, ला लो इंटरलिंगन, जो मैं तुम्हें की दसा C1 एस्ट्रेज बता देता हूँ, इंटरलिंकन सारे का सारा रट्टा है उसके अंदर, मतलब जल्दी जल्दी मैं चलो बता दूंगा, लेकिन सभी पानी तो दे यार मुझे। कंप्लीमेंट प्रोटीन एक बार मैं जल्दी जल्दी बताता हूँ, देखो यार आपने कहना है कि कंप्लीमेंट प्रोटीन के अंदर ना सिंपल सी बात है, आपने कहना है कि आपकी लीवर से ये पैदा होती है, ठीक है, 20 तरह की कंप्लीमेंट प्रोटीन होती है जो सर्कुलेट कर रही होती है आपके ब्लड के अंदर, ठीक है, और उस वक्त तक अटैक नहीं करती जब तक फॉर एग्जाम्पल ये एक तरह का किसी पैथोजन के साथ इनका इंटैक्ट ना हो, वरना ये इनएक्टिव होती है, और एक्टिव ही तब होती है जब ये कोई ना कोई पैथोजन आपके सामने आता है। अब ये कंप्लीमेंट प्रोटीन के अंदर आपने कहना है कि सबसे 3 तरह के पाथवे होते हैं, होता है क्लासिकल पाथवे, एक होता है जनाब अल्टरनेटिव पाथवे, एक होता है मनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे। जो क्लासिकल पाथवे होता है वो C1 से शुरू होता है, सिंपल आपने याद रखना है यार, क्लासिकल पाथवे के अंदर आपने ये कहना है कि C1 से शुरू होता है, उसके बाद आपने कहना IgM और IgG एंटीबॉडीज के अंदर होती हैं, इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, क्लियर हो गया, आपने ये कहना है। तो क्लासिकल पाथवे C1 से शुरू होता है, C4 को इन्वॉल्व करता है, C2 को इन्वॉल्व करता है, C3 को इन्वॉल्व करता है, फिर C3A, C3B, C5A, C6A, C6A, C7, C7A, C9, तो यहाँ तक जाता है। यहाँ पर जो बात याद करनी होगा, क्लासिकल जो पाथवे डायरेक्ट होता है IgM IgG एंटीबॉडी को इन्वॉल्व कर सकता होता है, C1 से शुरू होता है C4, उसके बाद C2 को एक्टिव करता है, ये आपने कहा, C3 एंड प्रोडक्ट बनाता है, उसके बाद फिर मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये आपको पता हो। उसके बाद आता है जनाब आपके एक तरह का फिर आपने कहना है मनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे, क्या होता है मनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे, होता है कि ऐसे पैथोजन जिनके ऊपर मनोज लगा हुआ होता है, वो जैसे ही आपकी कंप्लीमेंट प्रोटीन के साथ लगते हैं तो कंप्लीमेंट सिस्टम जब एक्टिव होता है तो उसको हम कहते हैं मनोज बाइंडिंग लेक्टिन पाथवे, इसके अंदर भी C1 से शुरू होता है। उसके बाद आपने कहना होता है कि हाँ जी जब अल्टरनेटिव पाथवे, अल्टरनेटिव पाथवे बच्चों वो पाथवे होता है जो C3 कंप्लीमेंट प्रोटीन शुरू करती है, और इसके अंदर डायरेक्ट जो सिस्टम होता है वो आपने ये कहना होता है कि इसके अंदर किसी तरह का ना IgM या IgG एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होती, इसके अंदर डायरेक्ट आपने ये कहना होता है कि C3 कंप्लीमेंट प्रोटीन के साथ आपने ये कहना कि सीधा ये जनाब आपके एंटीजन के साथ लगती है, ठीक हो गया, इसके अंदर IgM या IgG एंटीबॉडी इन्वॉल्व नहीं होगी जो कि हेल्प कर सके, तो इसको हम कहते होते हैं अल्टरनेटिव पाथवे। और इसके बाद आपने कहना है कि यार देखो C3A, C4A, C5A वो होती है जो कि जनाब आपके एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस के अंदर ज्यादा होती है, MCQ ज्यादा होता है, तो एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस के अंदर किनका लेवल ज्यादा होता है, आपने कहा C3A, C4A, C5A। अगर पूछा जाए कि ऑप्शनाइजेशन कौन करवाती है, गल्फ कौन करवाती, तो आपने कहा C3B कंप्लीमेंट प्रोटीन करवाती होती है। अगर पूछा जाए कि हाँ जी जनाब ऐसी कौन सी कंप्लीमेंट प्रोटीन होती है जो मेम्ब्रेन कॉम्प्लेक्स के अंदर रोल अदा करती है, आपने कहा C5 से लेकर C9 तक, C5A, C6, 7, 8, 9, 9 तक, C5 से C9 तक जो होती है वो मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स बनाती होती है। अगर पूछा जाए कि ऐसी कौन सी कंप्लीमेंट प्रोटीन होती है जो ऑप्शनाइजेशन का काम करती है, आपने कहा C3B। अगर पूछा जाए कि कंप्लीमेंट प्रोटीन के जो टेस्ट करते हो तो वो कौन सा, तो आपने कहा CH50। CH50 होता है वो टेस्ट जो कि जनाब कंप्लीमेंट प्रोटीन को हम चेक करने के लिए की जाता है, ठीक है। और उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल आपको पूछा जाए कि एक तरह का कोई भी बंदा जिसके अंदर कंप्लीमेंट प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट और उसके अंदर जो होगा वो जनाब आप एक कंप्लीमेंट प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो आज
अच्छा जी। अच्छा यार मेरे जी दोस्त आए हुए हैं तो इस वजह से ना वो सारा सीन हो रहा है घर में, ठीक है, तो परेशान नहीं होना आप लोगों ने। अच्छा जी, तो अभी अभी हम देखते हैं कि कम्प्लीमेंट प्रोटीन के अंदर, हाँ C3B का बता दिया, तो फिर रिस्पायरेटरी बर्स्ट पढ़ के बस करते हैं फिर। ओके, रिस्पायरेटरी बर्स्ट में जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, ठीक है। बाकी एक होता है पारोक्सिस्मल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, इसके अंदर भी क्या होता है, पारोक्सिस्मल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया एक ऐसी डिजीज होती है जिसके अंदर कम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है ना, वो वैसे हमारी कम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है वो आपके नॉर्मल सेल्स के ऊपर अटैक नहीं कर सकती। उसकी रीजन ये होती है कि आपके हर सेल के ऊपर, मेनली आपके RBC जो होते हैं इनके ऊपर एक जीन होता है जिसको हम कहते हैं पिगा जीन, ठीक हो गया। ये पिगा जीन आपके एक फैक्टर बनाता है जिसको हम कहते हैं डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर। ये डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर जो काम करता है, ये कम्प्लीमेंट प्रोटीन को आपके नॉर्मल सेल्स के ऊपर अटैक करने नहीं देता। लेकिन जो बंदा, जिस बंदे के अंदर पिगा जीन ही नहीं होगा, तो सिंपल सी बात है उसके अंदर डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर नहीं होगा। जब डीके एक्सेलरेटिंग फैक्टर नहीं होगा तो आपने क्या कहना है कि उस बंदे के अंदर क्या होगा, फिर RBC के ऊपर आपकी कम्प्लीमेंट प्रोटीन अटैक करेंगी। जब कम्प्लीमेंट प्रोटीन अटैक करेंगी तो RBC टूटेगा। जब आपका RBC टूटता है तो इसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन ईमिया, और यही RBC जो होता है वो हीमोग्लोबिन जो होता है वो यूरिन के अंदर जाता है जिसको हम कहते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया। ये RBC बेसिकली आपका रात के वक्त ज्यादा टूटता होता है, लेकिन यही बंदा जब यूरिन करने लिए सुबह उठता है तो जो यूरिन होगा वो हीमोग्लोबिन की वजह से डार्क कलर का हो जाता है, जिस वजह से हम इसको लिखते हैं पारोक्सिस्मल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया। और इसकी वजह से एक ये चीज भी देखने को मिलती है कि जैसे जैसे आपके RBC टूटते हैं तो RBC टूटने की वजह से ना सिर्फ RBC टूटते हैं बल्कि आपके बाकी जो सेल्स होते हैं वो भी टूटना शुरू हो जाते हैं। जब आपके बाकी सेल्स जो होते हैं वो भी टूटते हैं तो सारे के सारे जो सेल्स होंगे जब ये टूटेंगे तो आपके जब प्लेटलेट्स टूटते हैं तो एक प्लेटलेट्स जब टूटता है तो वो दूसरे प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करता है। जब दूसरे प्लेटलेट्स अट्रैक्ट होते हैं तो इसकी वजह से क्लॉट बन सकता है, जिसकी वजह से अगर कभी भी पूछा जाए कि हाँ जी जना मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन पारोक्सिस्मल नॉकटर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, तो आपने कहना होता थ्रोम्बोसिस इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया। ये चार पांच पॉइंट जो आपने याद रखने हैं अभी इसके लिए बस। फ्लो साइटोमेट्री हम मेन टेस्ट करवाते हैं, कॉमन वेरिएबल इम्यून डेफिशिएंसी डिजीज ये होती है जिसके अंदर बी और टी सेल दोनों नहीं बनते। इसके अंदर आपने ये कहना कॉमन वेरिएबल इम्यून डेफिशिएंसी के अंदर, इसके अंदर दो चीजें आप देख सकते हो, ये और आपका एक तरह का सीवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी, दोनों मिलती जुलती डिजीजेज है, फीचर्स दोनों के सेम है। लेकिन कॉमन वेरिएबल इम्यून डेफिशिएंसी के अंदर आपका जो मेन फीचर जो आपने ऐड करना होता है वो ये, तो या तो बच्चे को लिम्फोमा होगा या कोई ना कोई ऑटोइम्यून डिजीज होगी। ये दो चीजें आपने देखनी है। अगर कोई एग्जामिनर ने ये लिखा है कि उसको कोई ना कोई ऑटोइम्यून डिजीज है, या एग्जामिनर ने ये कहा है कि हाँ जी जनाब उसको एक तरह का क्या है, अगर एग्जामिनर ने ये कहा है कि उसको जनाब आपका एक तरह का फॉर एग्जाम्पल ऑटोइम्यून डिजीज का, जैसा कि हमने कहा अगर ये है उसको, या फिर एग्जामिनर ने ये कह दिया कि उसको लिम्फोमा वगैरह, तो फिर हम कॉमन वेरिएबल इम्यून डेफिशिएंसी की तरफ जाते हैं, अदरवाइज हम दूसरा ही सोचते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये आपको पता है रिस्पायरेटरी बर्स्ट के अंदर, यार देखो रिस्पायरेटरी बर्स्ट के अंदर आपने ये देखना होता है कि सबसे पहले आपका ऑक्सीजन, आपका ये फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए आपके एक तरह के, आपने ये कहना है कि जो सेल्स होते हैं जो पैथोजन वाले उनको हम अटैक करते हैं, उनको खत्म किया जाता है। अब एक सिंपल सा मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म के अंदर हम क्या कहते होते हैं कि आपके एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम, ठीक हो गया। ये NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम जो होता है ये काम क्या करता होता है, ये ऑक्सीजन को एक तरह का सुपर ऑक्साइड के अंदर चेंज करता है। उसके बाद जो सुपर ऑक्साइड बनता है वहां पे एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम। ये सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम जो होता है वो जनाब आपका सुपर ऑक्साइड बना के, उसके बाद आपका एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं माइलो पर ऑक्साइड एंजाइम। ये माइलो पर ऑक्साइड एंजाइम जो होता है ये आपका एक तरह का ब्लीच, एक लफज होता है HOCl, लड़कियों वाली ब्लीच नहीं जो मुंह के ऊपर मलती है, ठीक है। इसके अलावा एक HOCl होता है जिसको हम ब्लीच कहते हैं। ये जो ब्लीच होता है जिसको हम HOCl कहते होते हैं, ये जनाब क्या काम करती है, ये जनाब पैथोजन को किल करने के अंदर हेल्प करती होती है। इनका मेन काम ये होता है कि आपके उन पैथोजन को किल करना जो कैटालेज पॉजिटिव है। पैथोजन कौन से आपके एक तरह के कैटालेज पॉजिटिव पैथोजन है। अब जस्ट इमेजिन करें अगर किसी बंदे के अंदर NADPH ऑक्सीडेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होगी तो क्या आपका एक तरह का आगे मैकेनिज्म जाएगा, या अगर किसी बंदे के अंदर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज की डेफिशिएंसी होगी, या किसी भी बंदे के अंदर फॉर एग्जांपल आप ये देखते हो कि हां जी जरा MPO की डेफिशिएंसी होगी है, तो क्या आपका आगे मैकेनिज्म चलेगा कि आपकी ब्लीच बनेगी नहीं बनेगी, तो क्या ये आपका नॉर्मल जो पैथोजन जो उनको किल किया जा सकेगा जो आपकी बॉडी के ऊपर अटैक करते हैं, खासतौर पर कैटालेज पॉजिटिव पैथोजन किल नहीं किया जा सकता। जब आपकी बॉडी के अंदर कैटालेज पॉजिटिव पैथोजन जो होंगे वो किल नहीं होंगे, तो इस बंदे के अंदर क्या होता है कि कैटालेज पॉजिटिव पैथोजन की आपकी बॉडी के अंदर बार 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 इन्फेक्शन होती हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन डिपेंडेंट
होती है, इसको हम ये कहते होते हैं, इस वजह से क्योंकि इसके अंदर ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड के अंदर चेंज होती है, रिस्पायरेटरी बस्ट नहीं बनता होता, यही एमसीक्यूज है जो पूछते होते हैं। तो आपने कहना होता है कि ये सारे का सारा मैकेनिज्म होता है जो किल के अंदर का होता है, अगर नहीं होगा तो फिर आपका पैथोजन किल नहीं होगा, और कैटलिस्ट पॉजिटिव जो पैथोजन होते हैं उसको आपने याद करना होता है, रट्टा लगाना है कि कैपेसिया एक पैथोजन होता है, स्टेफलोकोकस ऑरियस होता है, नुकार्डिया होता है, ठीक हो गया, ये पैथोजन के नाम आपने याद करने, ठीक है, नुकार्डिया, कैपेसिया, उसके बाद जनाब आपने कहना स्टेफोरियस, ठीक है, ये पैथोजन होते हैं जो आपने रट्टा लगाने के। हाँ जी जनाब, ये सारे के सारे आते हैं, पांच तरह के पैथोजन होते हैं, तीन अभी मैंने बोले, दो कोई और मेरे माइंड से निकले वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बच्चों सारे का सारा था, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो बंदा पूछ सकता है, वरना इंशाल्लाह कल एक बार रीड कर लेना, अगर ना समझ आए तो फिर मैं दोबारा बता दूंगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। हाँ कल रेडी रहो सारे टेस्ट के लिए, कल मैं इंशाल्लाह टेस्ट आप लोगों का बनाता हूँ, बच्चे गॉस है या जो भी है टेस्ट होना है, पावे जो मर्जी का वो पावे गॉस, और तानू भी पता तुझे किमें गॉस दे रहे जे, और मेरे को सुननी है तो गाला ही नहीं, ठीक है, गॉस जो तो तानू भी पता है कि जिन्नी की तुझे गॉस की तैयारी करते जे, वो गॉस है जरा तानू करा दे मोबाइल के उत्ते, हो कह रहे जे गॉस है, तो चलो कहानी तो पा जरा किर्गिस्तान च ना रहा हो, हद हो गई है यार। तुम तो वो हिसाब है कि आंटी ना मेरे सामने पानी बना कर मुझे को सर जी जूस है, जूस है, जूस पिए। तो ये जनाब दो तीन चीजें हैं, गोस शोस, तो ये सारे है ना थोड़े तो ना पढ़ने के तरीके। टेस्ट इसी बजे होगा, 9:30 के राउंड अबाउट होगा, ठीक है। बच्चे ट्यूमर नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा जो होता है वो मैक्रोफेज को बुलाता रहता है, जिसकी वजह से वहां पे अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से ग्रेनुलोमा हो जाता है। सर जी तुसी उस्ताद हो, रेड डिग्री होल्डर, ओ यार रेड डिग्री होल्डर, रेड डिग्री जरा मैं रेड डिग्री लेके कमा लिया ना, तू भी कमा ली। कोई टेंशन ना ले। चलो बच्चों मिलते हैं इंशाल्लाह टेस्ट के अंदर, रेडी रहना है सारे ने, ठीक है। पैसा पैसा अभी कहाँ कमाया है यार, अभी पैसा नहीं कमाया, अभी बहुत पीछे हैं भाई। ओके जी, हाँ हाँ ये कह सकते इज्जत फी मानुल्ला, अल्लाह हाफिज और टेक केयर।